हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% चाइल्ड। और आज भैया हम फिर से आ गए एक और नया स्टेट भी नहीं है, पुरानी स्टेट है। तो भाई हरियाणा के बारे में आज बात करने वाला थारा भाई अर्पित। जो हरियाणा के बारे में हम जो बात करेंगे, हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेज हैं MBBS के, तो MBBS के जो कॉलेज हैं उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हरियाणा के अंदर कौन कौन से कॉलेज जो है वो हम कवर कर रहे हैं और कौन कौन से कॉलेज के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो टॉप कॉलेज की यहाँ पर बात करेंगे तो पहला कॉलेज है यहाँ पर BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत, जो कि एनुअल फी लेकर आया है। मतलब एनुअल फी जो आपको यहां पर भरनी पड़ेगी 52,070 और यहां पर एडमिशन फीस आपको देनी पड़ेगी 75,120 और हॉस्टल फीस इसी के अंदर आपको 1920 रुपए जो है वो देना पड़ेगी। कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल की अगर बात करें यहां पर, तो 52,170 आपको एनुअल फीस देनी है, एडमिशन फीस देनी है आपको 52,170 और हॉस्टल फीस देनी है 1921। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहां पर कई जगह आपको एनुअल फीस जो है वो सेम मिलेगी, कई जगह जो है एडमिशन फीस आपको ज्यादा मिलेगी एनुअल फीस से। तो जो एडमिशन फीस ज्यादा ले रहे हैं कॉलेज, वो इंडिया कोटे में ज्यादा ही लेते हैं, वो जो फीस है वो आगे जाकर या तो एडजस्ट कर दी जाती है या रिफंड कर दी जाती है। तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है, फीस अगर ज्यादा पे भी कर रहे हो तो वो आगे वाले ईयर में जो है एडजस्ट हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं पंडित BDS PGIMS रोहतक के बारे में। तो ये जो है ये 52,170 जो है इसकी एनुअल फीस है और इसकी एडमिशन फीस जो है वो भी 52,170 ही है। हॉस्टल फीस की बात करें तो 23,050 के आसपास इसकी हॉस्टल फीस जो है वो आने वाली है। SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहार के बारे में बात करें तो 75,120 जो है वो इसकी एनुअल फीस है और एडमिशन फीस भी इसकी 75,120 है, हॉस्टल फीस जो है वो 23,050 होने वाली है। एंड ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के बारे में बात करें तो 24,000 रुपये जो है वो इसकी एनुअल फीस है और एडमिशन फीस जो है वो भी इसकी 24,000 है, एंड हॉस्टल फीस जो है वो लगभग 1,000 जो है वो यहां पर होने वाली है। तो जो हरियाणा के जो कॉलेजेस हैं वो हमने यहां पर कवर करें। और हरियाणा के कॉलेजेस की जो फीस है, देखो बहुत सारे कॉलेज होते हैं भाई, हर स्टेट में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज होंगे, लेकिन हमने सिर्फ टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो यहां पर कवर करे हुए हैं, क्योंकि सारे कॉलेजेस को कवर करना भाई कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो उन कॉलेजेस में जाना पसंद नहीं करते, मजबूरी में ही लेते हैं वो सारे कॉलेजेस। इन सारे कॉलेजेस की बात हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं और ये जो है स्टेट के अंदर इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस जो है वो दिया जाता है। तो भैया हरियाणा लेवल पर जितने भी MBBS कॉलेजेस हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी फीस है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही थी। उसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्शन है, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे जो नंबर हैं वो डले हुए हैं, उनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स भी वहां पर अवेलेबल हैं, उस पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो वहां पर दिया हुआ है, तो वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी आप भर सकते हैं। उसको भरने के बाद वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो हमारे पास सबमिट हो जाएगा और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आप लोगों को कॉल करेंगे और गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए अपने करियर में, कौन सा कॉलेज आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉलेज आपको नहीं लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से किस कॉलेज में दम है किस कॉलेज में दम नहीं है। तो भैया यहाँ पर हम बात कर रहे थे हरियाणा ऑल इंडिया कोटा फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा, आप लोग देख रहे थे 100% टाइल, और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि लोग जो है वो भी देख पाएं और इससे नॉलेज ले पाएं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए, लव यू ऑल, टेक केयर एंड हास्ता ला विस्ता, बाय बाय।